हेलो गाइस, मेरा नाम यश शर्मा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि RRC ग्रुप डी 2019 का एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। ये RRB की जो ग्रुप डी के जो 2019 में वैकेंसी आई थी, ये वो हैं। देखिए, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से आपको अपने सारे जो बोर्ड चूज़ किया आपने या जो जोन चूज़ किया आपने, ये सारे जोन इस तरीके से दिखेंगे आपको। देखिए, जैसे एक दिख रहा है मुंबई, इलाहाबाद, जयपुर, चेन्नई, हाजीपुर, गोरखपुर, सिकंदराबाद, हुबली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, जबलपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, कोलकाता और फिर मुंबई, ईस्टर्न कोलकाता और नॉर्थन कोलकाता। आप इसमें भी आपको जो भी कुछ जोन हो उस पर क्लिक कीजिए। आप जिसमें गोरखपुर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालिए। आप जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ डालिए। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वो होगी जब आपने इसका फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके फ़ोन नंबर पर एक वाया SMS के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस रजिस्ट्रेशन आईडी में डालना है। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और सिक्योरिटी कोड डाल के इसे लॉग इन कर दीजिए। और देखिए, अगर आप बाई चांस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो इधर एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर लेफ्ट में, ऊपर कॉर्नर पर रेड बॉक्स में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी। अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए। देखिए, जैसे मैं फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करता हूँ, आप इस फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक कीजिए आप, और अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।